चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है विंटर सोल्स्टिस। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या विंटर सोल्स्टिस विश्व में एक साथ होता है, सबसे छोटे दिन की लंबाई और समय कैसे निर्धारित होता है और विंटर सोल्स्टिस की तारीख और महीना कैसे निर्धारित होता है, यह चर्चा में क्यों है। विंटर सोल्स्टिस अर्थात साल का सबसे छोटा दिन इस वर्ष 21 दिसंबर को था, पिछले साल यह 22 दिसंबर को था। 2017 में भी विंटर सोल्स्टिस 21 दिसंबर को ही पड़ा था। विंटर सोल्स्टिस से सर्दियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इस दिन से नॉर्थ हेमिस्फीयर में सर्दियों की शुरुआत और साउथ हेमिस्फीयर में गर्मियों की शुरुआत मानी जाती है। इस घटनाक्रम के पीछे कारण क्या है? इसका कारण धरती का झुका हुआ होना होता है। धरती ही नहीं, सोलर सिस्टम का हर ग्रह अलग अलग एंगल पर झुका हुआ है। धरती भी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। धरती के अपने एक्सिस पर झुके होने, उसकी अपनी धुरी पर चक्कर लगाने जैसे फैक्टर्स के कारण किसी एक जगह पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का समय साल के अलग अलग दिनों में अलग अलग होता है। क्या विंटर सोल्स्टिस विश्व में एक साथ होता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध वाले देशों में 21 या 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है। साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध वाले देशों में 21 या 22 दिसंबर साल का सबसे बड़ा दिन होता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में 21 या 22 दिसंबर साल का सबसे बड़ा दिन है। नॉर्थ हेमिस्फीयर साल के 6 महीने सूरज की ओर झुका होता है। इससे इस हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सनलाइट आती है। इस दौरान नॉर्थ हेमिस्फीयर के इलाके में गर्मी का मौसम होता है। बाकी 6 महीने ये इलाका सूरज से दूर चला जाता है और दिन छोटे होने लगते हैं। साल के सबसे छोटे दिन की लंबाई और समय क्या सभी शहरों में समान होती है? इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। अलग अलग शहरों में 21 या 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन जरूर है, लेकिन इसकी लंबाई अलग अलग होगी। जैसे दिल्ली में सुबह 7:10 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:29 पर सूर्यास्त हो जाएगा, यानी पूरे दिन की लंबाई 10:19 हुई। वहीं भोपाल की बात करें तो वहां सुबह 6:58 पर सूर्य उगेगा और शाम को 5:40 पर सूर्यास्त होगा, यानी पूरे दिन की लंबाई 10:42 की होगी। अब एक दिन पहले यानी 20 दिसंबर की बात करते हैं, तो इस दिन दिल्ली में सुबह 7:09 पर सूरज उगा और शाम को 5:29 पर सूर्यास्त हुआ, यानी दिन की कुल लंबाई 21 दिसंबर से 1 मिनट ज्यादा 10:20 थी। वहीं कल यानी 22 दिसंबर को सुबह 7:10 पर सूरज उगा और 5:30 पर सूर्यास्त होगा, यानी कल भी दिन की लंबाई आज से 1 मिनट ज्यादा होगी, अर्थात 21 दिसंबर से 22 दिसंबर की लंबाई 1 मिनट ज्यादा होगी। विंटर सोल्स्टिस की तारीख एवं महीना कैसे निर्धारित होता है? धरती का एक साल 365.25 दिन में पूरा होता है, यानी हर साल जिस वक्त सूरज की किरण सबसे कम समय के लिए धरती पर आती है वो समय करीब 6 घंटे शिफ्ट हो जाता है। इसी वजह से हर 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है जो इस समय को एडजस्ट करता है। पिछले साल सूरज 22 दिसंबर को धरती पर सबसे कम समय के लिए रहा था, इस साल यह 21 दिसंबर को ही हो गया। धरती के एक साल और लीप ईयर से एडजस्टमेंट के कारण विंटर सोल्स्टिस 20, 21, 22 या 23 दिसंबर में से किसी एक दिन पड़ता है। ज्यादातर यह 21 और 22 दिसंबर को ही पड़ता है। इसी तरह समर सोल्स्टिस यानी साल का सबसे लंबा दिन 20 से 23 जून के बीच में पड़ता है। वहीं 21 मार्च और
23 सितंबर को दिन और रात का समय बराबर होता है। इसे इक्वेटर कहते हैं, यानी इस दिन सूर्य धरती की भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।